हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अजय देव। और अगर आप पहले वाली वीडियो का एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आई बटन मिलेगा। अभी तक हमने रेड ट्रैप को दो वीडियोस में डिस्कस किया है। ये रेड ट्रैप की तीसरी वीडियो है। और अगर आप दूसरी वीडियो का एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आई बटन मिलेगा। तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहली वाली यानी कि जो दूसरी वीडियो है इससे पहले द प्रीवियस वीडियो उसका एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो अभी आप जो है रिक्वेस्ट है आपके लिए, इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई वीडियोस। और इसके अलावा इफ़ यू वांट मार्क द कमेंट हियर इन द कमेंट बॉक्स यू कैन। और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और करनी भी चाहिए आपको। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, ये दिसंबर का वक़्त था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल पर अंधेरा छा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर्स, यहाँ से जो है खतरा बढ़ रहे थे। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम, और वो अपना जो अंधेरा वो भी बढ़ रहा था। एंड डिस्पेयर, नाउमेदी भी बढ़ रही थी। फाइनली ही सा नो वे आउट, उसको कोई भी रास्ता बाहर जाने के लिए नज़र नहीं आया। He sank down on the ground. वो जो है ज़मीन पे गिर पड़ा। Tired to death, मौत के लिए थका हुआ था कि मौत कब आ जाए उसका इंतज़ार कर रहा था। Thinking that, सोच रहा था, his last moment had come, आखिरी वक़्त आ चुका है। But just as he laid his head on the ground, जूं ही उसने अपना सर जो है ज़मीन पे रखा, he heard a sound, उसने आवाज़ सुनी, a hard regular thumping, thumping का मतलब होता है थपथपाना, टप 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 टप, इसको thumping बोल सकते हैं, ऐसी आवाज़ और जो continuously आ रही थी। There was no doubt as to what was, और कोई मतलब शक नहीं था कि ये क्या है। He raised himself, उसने जुरत करके अपने आप को खड़ा किया। Raised का मतलब यहाँ पे खड़ा होना होता है, यहाँ पे, और उसने अपने आप को खड़ा होने की टोपी वो जो है कोशिश की, यानी खड़ा हो गया वो। Those are the hammer stroke from iron mill, वहाँ पे एक आयरन मिल थी, वहाँ से हथौड़ी की जो है वो टकरें थी, हथौड़ी की आवाज़ें थी, क्योंकि जब हथौड़ा किसी चीज़ को पीटता है तो आवाज़ें आती हैं, तो ये उसी की आवाज़ें थी। There must be people nearby. तो वहाँ पे हो सकता था कोई आदमी नज़दीक थे। He summoned all his strength, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। He summoned all his strength. उसने पूरी ताकत लगाई, ये मुहावरा है, got up, खड़ा हो गया, and staggered in the direction of the sound, फिर लड़खड़ाया। स्टैगर्ड का मतलब लड़खड़ाया, धीरे धीरे से चलना, पाँव को रगड़ा के चलना, उस साउंड वाली डायरेक्शन में, उस आवाज़ की तरफ वो चल पड़ा। द रैम्स जो आयरन वर्क, और ये कौन सी वहाँ पे जो कारखाना था जिसका नाम था रैम्स जो आयरन वर्क, विच वॉज नाउ क्लोज डाउन, जो बंद हो चुका था, वह नॉट सो लॉन्ग है, वो कुछ देर पहले ही वो बंद हो चुका था। अ लार्ज प्लांट, बहुत बड़ा वहाँ पे पौधा, विद अ स्मेल्टर, आयरन मिल एंड फोर्ज। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक पौधा था, और उसमें क्या था, किसके साथ था वो, स्मेल्टर के साथ। तो स्मेल्टर किसको बोलते हैं, जो है दांत किसको बोलते हैं, यानी लोहे को, उसके साथ था वो, मतलब बड़ा सा पौधा, उसके साथ वो लोहा जो है वो लगा हुआ था, रोलिंग मिल के बिल्कुल सामने था, और वहाँ पे एक फौज था। फौज का मतलब होता है कारखाना, लोहार। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बर्गर्स, अब यहाँ पे जो वर्ड बर्गर्स आता है, तो बर्गर्स का मतलब होता है एक समुद्री जहाज। अब क्या बोलता है, बोलता है ये कि इन द समर टाइम,
यानी मौसम बहार में लॉन्ग लाइंस ऑफ द हैवली लोडेड बर्गर्स, बहुत हैवनली लोडेड जो है वो किश्तियाँ वहाँ पे आती थी, जहाज आते थे वहाँ पे, एंड स्क्रोज स्लाइड डाउन। और स्क्रोज का क्या मतलब होता है, वो किश्ती को एक तरफ करके चले जाते थे, और फिर क्या होता था, विच लीड टू अ लार्ज आइलैंड लैग, और वो उनको कहाँ, सॉरी, फिर क्या होता था, डाउन द कैनल, यानी कि उस नहर से, विच लीड टू अ लार्ज आइलैंड, जो उनको एक बड़े आइलैंड यानी कि जजेरे की तरफ लेके जाती थी, और वहाँ पे लैग थी उस आइलैंड की। एंड इन द विंटर टाइम, जब मौसम सरमा आता था, द रोड नियर द मिल, जो मिल के पास से जो रोड गुजरता था, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द चारकोल डस्ट, वो जो है बंद हो जाता था चारकोल डस्ट से, विच सिफ्टेड डाउन, जिसको छाना जाता था फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, और फिर बिग चारकोल कैरेट से उसको छाना जाता था, शिफ्ट, एस एच आई एफ टी, शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यह सिफ्ट, एस आई एफ टी, शिफ्ट का मतलब होता है छाना, तो उसको छाना जाता था उन चारकोल क्रैक से, क्रैक का मतलब होता है खोखा, मतलब एक पेटी जैसी उसको कह सकते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द डार्क नाइट इवनिंग जस्ट बिफोर द क्रिसमस, द मास्टर सेमथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फर्ज नियर द फर्नेस, वेटिंग फॉर द पिक iron which had been put in the fires to be ready to put on the anvil. अब क्या कहता है कि एक लंबी रात, क्रिसमस से पहले की जो रात थी, उस रात में मास्टर सेमथ और उसके जो हेल्पर्स थे वो उस लोहे का कारखाने में, जो लोहे का कारखाना था और काला था, डार्क का मतलब यहाँ पे काला था, वो उसी लोहे के कारखाने के अंदर भट्टी के बिल्कुल करीब इंतज़ार कर रहे थे पिग आयरन का। पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, कच्चे लोहे का वो जो है इंतज़ार कर रहे थे, और उन्होंने कच्चे लोहे को आग में डाला हुआ था, ये कब तैयार हो जाएगा अहरन पर आने के लिए। अहरन बोलते हैं जिसमें जो है लोहे को पीटा जाता है। और एवरी नाउ एंड देन, हर एक आगे पीछे जाता था, उनमें से एक, वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टेयर द ग्लोइंग मास। ग्लोइंग मास का मतलब होता है यहाँ पे, ग्लोइंग मास का मतलब होता है यहाँ पे लोहा, लोहे के टुकड़े को, लोहे के वजन को, चमकते हुए लोहे के वजन को वो हिलाता था विद अ आयरन बार, आयरन बार बोलते हैं शंस को, शंस के साथ, रिटर्निंग अ फ्यू मोमेंट, वो कुछ वक़्त के बाद उसको भट्टी में डालता था, फिर वो डालता था, और फिर क्या होता था उसको, वो ड्रिपिंग विद द पर्सपेशन, और वो उस पसीने के साथ जो है वो टपकता था, यानी पसीना उसे टपकता था। दो एज वाज द कस्टम, वहाँ का एक रिवाज था, ही वोर नथिंग, उसने कुछ भी नहीं पहना था, पर लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट पहनी थी, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते पहने थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड, बहुत सारी आवाज़ें उस वक़्त पर सुनाई देती थी, इन द फोज, फोज मीन्स लोहे के कारखाने में, द बिग बिलो ग्राउंड, वहाँ पे बिलो बोलते हैं चक्कर को, चक्कर बोलते हैं, जैसे कि अगर आप लोहार के पास गए होंगे तो उसके पास एक चक्कर जैसा होता है जिससे वो हवा क्रिएट करता है और उस भट्टी में हवा देता है, उसको बिलो बोलते हैं। वो ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है वो भी करा रहा था, वहाँ से भी आवाज़ें आ रही थी, चूं चूं की आवाज़ें आ रही थी, एंड द बर्निंग कोयल क्रैक, और जो चमकता हुआ कोयला था वो भी फट रहा था, मतलब ख़त्म हो रहा था। द फायर बॉय शोल्ड चारकोल, शोल्ड का मतलब होता है बीलचे से डालता था, चारकोल मीन्स कोयला, एंड टू द मॉ ऑफ द फर्नेस, फर्नेस के मुंह में, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो क्लैटर के साथ वो डालता था, किसके साथ, क्लैटर, क्लैटर का मतलब होता है कट कट के, मतलब थोड़ा काटता था उस, मतलब उसके साथ, एक कटर बोल सकते हैं, उसके साथ वो डालता था। आउटसाइड रोड द वारफा, बाहर जो है झरना जो था वो आवाजें कर रहा था, एट अ शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड, और
जो है बाहर आंधी भी जो है वो चल रही थी, वो भी कोड़े मार रही थी विपतर्ण, यानी कि किसको, बारिश को, यानी बारिश को कभी इधर लेके जा रही थी कभी उधर लेके जा रही थी। अगेंस्ट द ब्रिक टायर, और जो रूफ की जो छत की जो टाइल थी उन टाइलों पे के खिलाफ, यानी कभी इधर कभी उस टाइल पे कभी इस टाइल पे बारिश हो रही थी। या इन शॉर्ट इसको जो है हम बोलते हैं कश्मीरी में सटवुद, तो वो सटवुद होता था। और अगर कश्मीरी सुनने वाले मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मीन्स जो हवा से आगे पीछे जो है वो आती है, क्या बोलते हैं, आंधी, तो उसको जो है मतलब वो। अब क्या आगे बोलता है, कहता है इट वॉज प्रोबेबली ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल दिस नाइट नॉइस दैट द ब्लैक सेमेंट डिडंट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द पोर्ट। अब कहता है इस तरीके से जो आवाजें आ रही थी और इन आवाजों के बीच पे जो फौज था, जो वहां पे जो मतलब लोहार था, उसने जो है ब्लैकस्मिथ मींस लोहार, उसने जो है ये मतलब नोटिस नहीं किया कि किसने इस मतलब लोहे के कारखाने को के गेट को खोला और फिर गेट से अंदर आ गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, तब तक जब तक एक आदमी बिल्कुल करीब बैठी के खड़ा न होता है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर द पोअर वैगाबॉन्स विदाउट एनी बैरर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द स्टूडी पेन्स एंड टू कम एंड टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रॉम द फायर। अब क्या कहता है, कहता है कि यकीन तौर पर ये तो उनके लिए अनयूजुअल नहीं था कि कोई गरीब आदमी, वैगाबॉन्ड, फिरार या खानाबदोश बगैर अच्छे शेल्टर के वहां पे पहुंच जाता था। और वहां पे पहुंचता कैसे था उस लोहे के कारखाने में, क्योंकि रात के वक्त में जो है लोहे के कारखाने से जो मतलब चिंगारी निकलती थी और जो आवाजें आ रही थी उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाता था, और जो वहां पे बचने के लिए वो आते थे उस स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कालक वाली जगह पे, कालक वाले जो है पैन बोलते हैं शीशे, कालक वाले जो शीशे थे वहां पे, और वो इसलिए आते थे कि अपने आप को वो जो है गर्म रख सकें इस आग जो है वो तप कर। यहाँ पे ब्लैक स्मिथ क्या बोलता है, द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, तो वो लापरवाही से एक ही बार, जो लोहार है वो लापरवाही से एक ही बार जो अंदर आया हुआ होता है, इंट्रूडर का मतलब बगैर किसी इजाजत के अंदर आना, जो बगैर किसी इजाजत के अंदर आया हुआ होता है दिलचस्पी से उसकी तरफ देखता है। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइम यूजली डिड, तो उसने ऐसे देखा जैसे मतलब उस किस्म के लोग जो है दिखाई देते थे। विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी सी उसकी दाढ़ी थी, डर्टी गंदी, रैगेड और कपड़े जो गंदे कपड़े थे, विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप, और रैट ट्रैप जो है मतलब उसके साथ है, बंच का मतलब होता है मतलब गुच्छे, रैट ट्रैप ट्रैप के जो गुच्छे थे उसके साथ थे, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट जो लटके हुए थे, डेंगलिंग का मतलब होता है लटकने, जो यहाँ पे उसने डाले हुए थे लटके हुए थे कहाँ पे, उसके चेस्ट पे लटके हुए थे। फिर क्या हुआ, और ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहां पे ठहरने के लिए इजाजत मांगी, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हार्टी कॉन्सेंट, और उसने जो है मतलब बताया लेकिन मगरूराना तरीके से उसने जो है मतलब उसको हाँ में जो है वो बोला, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, लेकिन बगैर इज्जत दिए हुए, इवन कि उसने एक लफ्ज भी इज्जत का उसको नहीं बताया। द ट्रैप डिडंट से एनीथिंग ईदर, लेकिन जो आवारा था, ट्रैप, यहाँ ट्रैप का मतलब होता है आवारा,
जो आवारा था, और ये ट्रैप जो है किसके लिए, ट्रैप किसके लिए इस्तेमाल हुआ, रेड ट्रैप के लिए इस्तेमाल हुआ है। डिडंट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं बताया ईदर, बल्कि ही हैडन कम देयर टू टॉक, वो वहां पे बातें करने के लिए तो नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वहां पे वो गर्म होने के लिए आया था और अपने आप को सुलाने के लिए आया था क्योंकि बाहर सर्दी थी। इन दोज डेज द राम्स राम्स जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रामिनेंट आयरन मास्टर। तो राम्स जो आयरन मिल जो है वो एक बहुत नमाया आयरन मास्टर ने खरीदी थी, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसका एक ही बड़ा जो एम था या उसकी जो ख्वाहिश थी वो थी कि मार्केट में अच्छा लोहा जो है वो भेजना। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डेज टू सी, वो दोनों रातें और दिन वहां पे देखने के लिए आता था, दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि काम वहां पे किया जाता है या जा सकता है कि जितना मुमकिन है। एट दिस वेरी मोमेंट, उस वक्त ही कैम एंड टू द फोर्थ, वो लोहे के कारखाने में आ जाता है, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, एक रात की इंस्पेक्शन के लिए या इंस्पेक्शन के रूंड के लिए। नेचुरली फर्स्ट थिंग सा नेचुरली फर्स्ट थिंग ही सा वॉज द टॉल रागा मोफिन, तो वो एक बहुत बड़े जो है गंदे कपड़े या फटे पुराने लंबे फटे पुराने कपड़े वाले पहनने वाले को देखता है, हु हैड ईज्ड हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेस, जिसने अपने आराम जो है वो बनाया हुआ था बिल्कुल भट्ठी के करीब, दैट स्टीम्स रोज फ्रॉम हिज वैट्रिक, और उसके उन गीले कपड़ों से जो पुराने फटे पुराने गंदे गीले कपड़े थे उनसे जो है वो बहा पा रहा था। द आयरन मास्टर डिडंट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, आयरन मास्टर ने द आयरन मास्टर डिडंट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, उसने ब्लैक स्मिथ की एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया, किसने, आयरन मास्टर ने, हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, और उसने जो है दिखावे के तौर पर, यहाँ पे जो डिजाइन का मतलब होता है वो दिखावे के तौर पर उसने जो है मतलब स्ट्रेंजर की तरफ देखा, और दिखावा कौन सा, वो वाला दिखावा मेहरबान मेहरबान होने का दिखावा, उसको हम डिजाइन बोल सकते हैं। तो डिजाइन जो है क्या किया उसने, डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उसने मेहरबाना तरीके से स्ट्रेंजर की तरफ देखा। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो बिल्कुल उसके करीब गया, लुक्ड हिम ओवर, उसको अच्छी तरह से देखा या गौर से उसको देखा, वेरी केयरफुली बड़ी केयरफुली के साथ, देन टोर ऑफ हिज स्लोच हैट, जो उसकी टेढ़ी हैट थी उसको फाड़ा, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, के उसको उसका चेहरा अच्छी तरह से नजर आ जाए। थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस रैट रैप को डिस्कस